मेरे प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की क्लास में हम बहुपद में ए का मान ज्ञात करना सीखेंगे। बहुपद में आपने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, यहाँ तक आप सीख गए हैं और मुझे उम्मीद है कि यह अब आपसे बन जाएगा। तो हम ए का मान निकालेंगे यदि हमको जी एक्स और पी एक्स का मान दिया है। तो पी एक्स का मान दिया है ए का मान, तो पी एक्स का मान दिया है एक्स वर्ग धन ए एक्स धन दो, एक्स वर्ग धन ए एक्स धन दो, और जी एक्स का मान दिया है हमको एक्स धन एक, जी एक्स का मान एक्स धन एक दिया है, तो एक्स धन एक को हम शून्य के बराबर कर देंगे जिससे हमको एक्स का मान मिल जाएगा ऋण एक। अब एक्स का मान ऋण एक है उसको हम पी एक्स में रख देंगे, तो पी ऋण एक घात दो धन ए ऋण एक धन दो, ये एक का वर्ग ऋण एक धन दो, यहाँ पर आ गया एक का वर्ग एक ऋण एक धन दो बराबर शून्य। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा एक और दो तीन बराबर शून्य, ऋण ए का मान आया हमारे पास ऋण तीन, ऋण से ऋण कट गया तो ए बराबर आ गया हमारे पास। तो इसको हम शेषफल प्रमेय के माध्यम से ए का मान हम ए बराबर तीन निकाल लिए। तो इसमें विभिन्न प्रकार के सवालों में ए का मान हमको अलग अलग ज्ञात होगा। अब इसके बाद का टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंडन, बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों के गुणनखंडन के अंतर्गत हम जो वर्ग समीकरण है हमारा, वर्ग समीकरण है गुणन खंडन, तो जो बहुपदों का गुणन खंडन है इसके अंतर्गत जो वर्ग समीकरण है हमारा मानक रूप, जो वर्ग समीकरण है वह है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये हमारा मानक रूप है वर्ग समीकरण का। अब इसके अंतर्गत हम इसके पहले हम बहुपद का जो गुणनखंड है उसको आसान रूप से समझने के लिए, जैसे छह है इसका गुणनखंड क्या होगा दो गुणा तीन, बारह है चार गुणा तीन, इस प्रकार से, और चार का भी गुणनखंड हो जाएगा दो गुणा तीन गुणा दो। तो ये हमारे पास अंकों का गुणनखंड है। अब हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंड। तो बहुपदों के गुणनखंड के अंतर्गत हमारे पास आता है जैसे 12x धन 4x वर्ग, 12x धन 4x वर्ग, तो 12 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 4 गुणा 3 गुणा x धन, ये 4 x की घात 2 है तो x गुणा x, तो यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ क्या है 4 4 x x, तो 4 x जैसे बाहर निकल जाएगा यहाँ बचेगा 3 धन
एक्स, तो चार एक्स धन, चार एक्स गुणा तीन धन एक्स, यह इसका गुणनखंड हो गया, बहुपदी गुणनखंड है ये। इसके आगे यदि हम और हल करें सवाल को, तो और सवाल देखते हैं हम। छह एक्स की घात तीन धन चार एक्स की घात दो धन पांच एक्स, इसमें देखिए x तीन बार है, यहाँ पर x दो बार है, यहाँ पर x एक बार है। जो सबसे छोटी घात है वो बाहर निकल जाएगी, तो अंदर बचेगा छः एक्स की घात दो धन चार एक्स धन, यह बहुपदी व्यंजक का गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से हम बहुपदों का गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अब हम सर्व समीकरणों के उपयोग से गुणनखंड करना, सर्व समीका के हिसाब से यदि हम देखें, तो हमारे पास जो सर्व समीका है वह है x वर्ग ऋण a वर्ग बराबर x ऋण a और x धन, अगर x का वर्ग और बीच में ऋण का ऋण है और a वर्ग है, तो उसको हम लिख सकते हैं x ऋण a और x धन a। अब यहाँ पर अगर हम कोई सवाल लें जैसे x वर्ग ऋण 16, तो x वर्ग ऋण 16 क्या होगा, x वर्ग ऋण 4 का वर्ग। अब ये क्या हो जाएगा, एक बार ऋण में लिख दीजिए इसको, एक बार घर में लिख दिया हमने, ये हमारे पास आ गया एक्स ऋण चार और एक्स धन सात। तो सर्व समीका का उपयोग करते हुए हम बहुपदीय व्यंजक का गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास, अगर हम दूसरी सर्व समीका लें, यदि हम दूसरी सर्व समीका लें वह है ए धन सी का वर्ग बराबर ए वर्ग धन दो ए बी धन, ये दूसरी सर्व समीका है। इसके अंतर्गत हम इसको लिख सकते हैं x वर्ग धन 6x धन 9, यहाँ पर a का मान है x वर्ग धन, यहाँ पर 2 है तो 6 को हम तोड़ते हैं, 2 गुणा 3 गुणा x धन, यहाँ पर b वर्ग है तो b वर्ग 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो हमारे पास x का मान कितना, a का मान कितना आ गया x, b का मान आ गया 9। तो सर्व समीकरण के हिसाब से a का मान कितना हो गया x धन, b का मान हो गया हमारे पास 3 की घात 2। तीसरा अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ये आ गया x धन 3 और ये x धन। तो इस प्रकार से बहुपदों का गुणनखंड हम कर सकते हैं। अब आगे जो है मैं आपसे एक पहेली यहां पर लिख देता हूं, उसको आप हल करके अगली क्लास में मेरे कमेंट्स में आप भेज सकते हैं, और आपको जो भी समस्या है गणित से संबंधित कमेंट्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। वो पहेली है, देखिए अंत कटे तो कपड़ा, सिल दूं मध्य कटे तो कपड़ा बन जाऊं, प्रारंभ कटे तो जब को जीतूं, नाम
बताओ कौन से जीतू। यह एक पहेली है, आसान पहेली है, इसको आप हल कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप इसका उत्तर भेज सकते हैं। और गणित से संबंधित और भी जो समस्याएं हैं, जो सवाल आपको समझ में नहीं आते उसके बारे में भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और आज की क्लास इतनी ही, धन्यवाद।